दोस्तों, वीवो अपना अपकमिंग स्मार्टफोन वीवो V30 Pro जल्द ही इंडिया में लॉन्च करने वाला है। ये स्मार्टफोन दोस्तों आपको iPhone 14 Pro Max की तरह लुक्स एंड डिज़ाइन वाइज देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों, ये iPhone 14 Pro Max की तरह महंगा तो नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन रहने वाला है। और ये स्मार्टफोन का प्राइस दोस्तों आपको लगभग 10,000 रुपये के प्राइस के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब ये स्मार्टफोन कब तक इंडिया में लॉन्च होगा, इसमें कौन कौन से फीचर देखने को मिलेंगे, कैमरा कैसा रहने वाला है, परफॉर्मेंस कैसा होगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज यार एक लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियो इस चैनल पर आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। बाकी यार, बात की जाए स्मार्टफोन के लुक्स एंड डिजाइन की, तो ये स्मार्टफोन दोस्तों बैक साइड पर आपको ट्रिपल कैमरा के साथ आने वाला है, जो कि iPhone 14 Pro Max की तरह आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसके फ्रंट साइड पर आपको जो है पंच होल कटआउट के साथ सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके बैक साइड पर आपको जो है ग्लास की कोटिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है 6.78 इंचेस का बड़ा सा डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि एमोलेड डिस्प्ले रहने वाला है। साथ ही यहाँ पर आपको जो गोरिल्ला ग्लास गार्ड का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ आएगा, एडिया 10 प्लस का सपोर्ट भी मिल जाएगा, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको जो 1 बिलियन प्लस कलर कॉम्बिनेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि नेटफ्लिक्स और यूट्यूब चलाते समय आपको कलर कॉम्बिनेशन काफी तगड़े देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के बैक साइड पर, तो यहाँ पर आपको जो ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। मेन कैमरा इसका होगा 200 मेगापिक्सल का, दो और कैमरे देखने को मिलेंगे, अल्ट्रा वाइड कैमरा प्लस डेप्थ सेंसर कैमरा। अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ पर आपको जो 8 मेगापिक्सल का मिलेगा, डेप्थ सेंसर कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का मिलेगा। यहाँ पर आपको फ्रंट साइड पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलने वाला है, और इस कैमरे की भी मदद से आप 4K 60fps तक के वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओगे। आगे बात करते हैं स्मार्टफोन के हाइलाइटेड फीचर्स की, जो कि इसका परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर आपको जो है काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों स्मार्टफोन पे आपको जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। नो डाउट दोस्तों, यहाँ पर आप अच्छी खासी गेमिंग कर पाओगे। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पर आपको 7000mAh का बड़ा सा बैटरी देखने को मिल जाएगा, और इस बड़े से बैटरी को तुरंत से चार्ज करने के लिए 120W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 5G का सपोर्ट मिलेगा, टाइप सी का USB चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है, डॉल्बी एटमॉस का साउंड क्वालिटी भी देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के प्राइस और लॉन्च डेट की, तो स्मार्टफोन का प्राइस आपको 10,000 रुपये के प्राइस के अंदर देखने को मिलने वाला है। बहुत ही जल्द दोस्तों नेक्स्ट मंथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो यार स्मार्टफोन को लेकर के, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। बाकी यार, स्मार्टफोन से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हो, मेरे प्रेडिक्शन और स्पेकुलेशन के बेस पर आधारित है, और ये वीडियो कंप्लीटली कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो है। बाकी यार, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।